करती थी तो वो लोग कर देते थे, लेकिन मैं इधर उधर रहती थी, लेकिन अब मुझे ही करना। एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मेरे सभी दोस्तों को सुबह की गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग स्टार्ट होगा हमारे किचन से। आज बहुत स्पीड से काम होगा, फटाफट होगा। अभी वन टाइम में दो दो तीन तीन चीज़ें कैसे बनेंगे वो सब आप देखोगे। तो गाइज, आज सबसे पहले किचन में आके मैंने फटाफट से आटा गूंथ दिया है, क्योंकि आज बनने वाले हैं आलू के पराठे। फटाफट से अभी आलू बनने रख रही हूँ मैं प्रेशर कुकर में। इनको धोने के लिए मैंने अभी ले लिया है अपना आराम से ठंडा पानी, बट मैं ठंडे पानी में धोती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को एलर्जी है, स्वेलिंग हो जाती है ठंडे पानी से। अभी आधी रात जाने लग रहा है स्कूल, फटाफट से मम्मा रेडी करी है। आराधना तो स्कूल जा ही नहीं रही, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तो हो रही थी बीमार। हस्बैंड भी आ चुके हैं अभी उठ के सुबह, उनके लिए मैंने चाय रेडी कर दिया, भानु दीदी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो गाइस, आलू गोभी भी बनेंगे, ओ माय गॉड। अभी फटाफट आलू कट करके गर्म पानी में भिगो दिया है। कोरिएंडर लीव्स हैं, ये है आलू मैंने पील करके रखे हैं, ये कुंडी सोटे में मैंने डाल दिया मसाला, और अभी इसको फटाफट से मैं पीस रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पीस रही हूँ। और भी बहुत काम थे, कुछ भानु दीदी भी मेरे को बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी कर ले, और अगर लेट हो गए तो फिर अधिराज खाना ही नहीं खाएगा। उसके टिफ़िन में जानी थी आलू गोभी, बट पहले उसने बोल दिया आलू का पराठा लूँगा, फिर बोल दिया उसने आलू गोभी। तो ये मैं मसाला कर रही हूँ आलू गोभी का। अभी बीच बीच में आलू के पराठे की भी तैयारी हो रही है, और वो प्याज वाले हैं, तो फटाफट मैंने आलू पील कर दिए। अभी देखिए देखिए कैसे मैं पीलो फटाफट, ये गर्म थे तो मैं इसको स्पून के साथ ही फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि इतनी स्पीड से तो मैं हाथ से नहीं कर सकती, हाथ जल जाएगा। तो गाइस, यहाँ मेरा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस डालने जा रही हूँ, जैसा कि हल्दी है, मिर्च है, गर्म मसाला है, सारे सूखे वाला धनिया है, पाउडर है जो उसका सूखे वाला, वो है देगी लाल मिर्च है। मैंने सारा कुछ इसमें कुंडी सोटे में ही जो मसाला करके रखा था उसी में ही डाल दिया था। उधर मेरा बहुत जल्दी जल्दी तेल हो रहा था, ऊपर से वो धुआं भी निकल रहा था, सारे घर में फैल जाता, तो फटाफट से मैंने चिमनी ऑन किया और उसके अंदर से मसाला वगैरह सब डाल दिया। साथ के साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको हम इसमें डालेंगे। अभी मैंने इसमें पानी भी डाला है थोड़ा सा, फटाफट से तेल भी ज़्यादा हो गया। अभी देखना मैं कैसे डाल रही हूँ, मेरे को इसको डालते हुए डर लग रहा था कि कहीं इसका छींटा मेरे ऊपर ना जाए, बट ये आराम से हो गया था, फटाफट घुमा दिया था मैंने। इधर मेरे को फिर कोरिएंडर लीव्स के जो हमारे पास हरा धनिया था, मेरे को वो फटाफट उसमें काटना था। जीजा जी आ चुके थे तो उनके लिए भी खाना बनाना था, जैसा कि आप देख रहे हो। ये देखिए, अभी फटाफट इसको घुमा दिया मैंने, तो मैंने फटाफट स्पीड से कोरिएंडर लीव्स काट दिए, मैश किए हुए आलू में डाल दिया है। अभी मैंने प्याज अभी मैंने काटा नहीं है, अभी मैं वो काटूंगी प्याज। इधर साथ के साथ मेरे को ये भी सब्ज़ी भी घुमानी पड़ रही है, क्योंकि इसमें सब्ज़ी थी और मसाला अच्छे से लाल हो, जब तक लाल नहीं होता तब तक इसमें मेरे को गोभी, फिर मैं बीच में फिर ये करती वो करती, तो बस। तो गाइज़, अभी कुछ बर्तन भी पड़े थे, मैं क्या चलो उनको भी साफ़ कर दिया मैंने। ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गया, सिंक साफ़ हो गई है। अब मेरा सभी बनाकर खाना वाना हम फ्री हुए हैं। अभी मैं जा रही हूँ मनीषा दीदी के पास, वो कल अपने कान्हा जी के कुछ कपड़े लेके आए थे, वो देखने जा रही हूँ, मैं क्या चलो देख के आते हैं। पहुँची, ओ माय गॉड, ये शायद इनके घर का सामान है, कुछ चौखट वगैरह हैं जो लगती हैं। ये देखिए, अच्छा, ये है सब, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। अभी ये कॉलेज से आई है मनीषा दीदी, हाँ ये देखो चॉकलेट ले रही है मनीषा दीदी से। हाँ देखो गाइस, ये चॉकलेट ले रही है, और ये मन कहती है नोना के लिए, कन्नू के लिए, और किसी को नहीं देती। जैसे मैं यहाँ पहुंची, मेरे से पहले ये लोग बैठे हैं, और दीदी अभी आए थे बस कॉलेज से। तो अभी ये अभी थोड़ा अपना चेंज वेंज करेंगे, तो ये माना है, माना तो अभी चॉकलेट लेते ही खुश हो गया। गाइस देखिए दीदी, जैसा कि कल हमने बात की थी, ये बैठे कितने प्यारे इनके कान्हा जी, और ये है इनका सिंहासन। गर्म पानी करके फिर नहलाया, मैं खुद नहा के आई, इनको नहलाई तो टाइम हो गया ना। हाँ देखो कितना ये पूजा पाठ करती है ना इनके, देखो ये छोटे छोटे बर्तन, ओ माय गॉड, कितने प्यारे भी थे, लेकिन मैं उसमें सोची कुछ मीठा चीज बनाऊंगी ना। अच्छा, तो इनका आप रूटीन में भोग लगाते हो?
हाँ डेली में भोग लगाते हो ना? हाँ, ये डेली पूजा करती हैं, इनकी डेली भोग लगाते हैं। मिनीषा दीदी आपने इनको भी देखा होगा, व्लॉग में भी देखा होगा। मैं नहीं करती थी, लेकिन जब से निशा दीदी मिला, पहले निशा दीदी थी तो वो लोग कर देते थे, लेकिन मैं इधर उधर रहती थी, लेकिन अब मुझे ही करना है। कान्हा जी को भी साथ, तो देखो कितना इनके मन में वो है। इनको दीदी मैं आज भी कान्हा जी का स्वप्न देख रही हूँ। मैं दो दिन से पूजा कर रही हूँ, लेकिन दोनों दिन देख रही हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, मुझे यही नहीं हो, ये कह रही है कि ये दो दिन से पूजा करें, इनको दिखाई भी दे रहे हैं सबने, कितना अच्छा है ना। किसी किसी को ऐसा होता है, ऐसे वैसे होता नहीं है। ये भी बहुत मतलब प्यार की बात होती है कि जब हम अपने कान्हा जी से प्यार करते हैं तो वो भी हमें प्यार करते हैं। बैठा इधर, अच्छा वो मिला नहीं था। ये देखो कितनी प्यारी है, ये दिखा रही है, सब सुंदर सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे हैं। ये देखिए लड्डू के लिए, ये देखिए लड्डू गोपाल के कलर का पहनाया हुआ है। अच्छा व्हाइट कलर का, हाँ कितना सुंदर है। हाथ में ये माना इधर घूम रहा है, इधर ये जेरी है, ये जेरी कह रहा है कि मेरे को इधर से निकालो। ओ माय गॉड, माने खेलो इसके साथ। ईशा दीदी को बोल रही है कि मेरे को और चॉकलेट चाहिए। देखो नोना तो बीमार है, बैठी है। हाँ तो अभी ये कल जाएंगे कि कहीं जाना है इनको, दीदी को, तो ये कह रहा है मुझे बाहर निकालो। अभी ये देखो, ये इसको कह रहा है कि मुझे भी दे दे एक चॉकलेट। इसको क्या हुआ, पपीते को, इतने अच्छे अच्छे पपीते आते थे इस पे, पता नहीं इसको क्या हुआ, ये खराब ही हो गया मेरा पेड़, मैंने लगाया था खुद अपने हाथों से, अभी ये खराब ही हो। छोटा स्विमिंग पूल, उसमें बैठी आराधना और नोनू, ये कुछ कर रहे हैं छेड़खानी। पानी में हाथ मत डाल, बीमार है ना, हाथ मत डालो। ये देखिए कह रहे हैं कि ये बोट चल रही है हमारी, ये पानी ठहरा हुआ पानी है। माना अंदर से चॉकलेट लेके आया, टॉफी लेके आया। माना देखो इधर, कन्नू भी आ गया है स्कूल से, आराधना तो गई नहीं थी क्योंकि आराधना तो बीमार है थोड़ा। ये देखिए अभी स्कूल से आया है कन्नू अधिराज, सर रो रहा था मैं नहीं जाऊंगा, अभी आया है। ये पूछ के स्लाइड करा, ये बहुत शरारती है अधिराज ना, बहुत शरारती है जानबूझ के। ओ माई गॉड, ये कह रहा है कि कौन सी बॉटल दे दी थी आज मुझे, ओए ये आया स्कूल से, अभी इसकी चल गई है पूरी अपनी बातें। स्कूल से इसको हग ही करता है, इसको प्यार करता है अधिराज, आए पूरा इन दोनों का प्यार है। पता नहीं मुझे ये कैसे रहेगी वहाँ अगर हम जाएंगे जीरकपुर तो, ना सिस्टर ब्रदर वाला लव, बहन भाई का, दोनों बहुत शरारती हैं। बट ये कैसे इसको, ये किडनैप बोल रहा है, कर लिया इसको, क्या कर रहा है इसके साथ। दीदी टिफिन आया, उसमें से बच रहा था कुछ, इनको सिर्फ खाने का काम है और कुछ दूसरा काम नहीं है। ये यहाँ पे मंजी रहती है, ये बस अपना बर्तन करे, कपड़े धोए, अपना आराम से यहाँ बैठते हैं। इनकी अच्छी ऐश लगी हुई है। अभी ये देखो ये कह रही है बकवास, ये देखिए अभी ये, इसने तो बहुत भाई साहब, ये बहुत। हाँ रितु मासी कितने बर्तन करती है देखो।